रिवाइव कर दिया गया है। टीम गॉडलाइक की मीनवाइल बात करें, वो भी अब धीरे धीरे थोड़ा क्लोज आते हुए नजर आ रहे हैं, देखते हैं कि क्या वो इंटरेस्टेड नजर आएंगे इस पर्टिकुलर फाइट में। ओआर स्पोर्ट्स की बात करें, थोड़ा यू नो धैर्य के साथ ज्यादा खेल रहे हैं, थोड़ा संयम ज्यादा बरत रहे हैं, वहां पर एक एडवांस पोजिशन उनकी थी, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग में थे, बट उसके बावजूद वो आगे गए नहीं। चलिए दो फिनिश जरूर तो उन्होंने बटोर लिए इस फाइट से, बट आरू के रूप में एक कैजुअलिटी जो है वो भी उनके ऊपर हमें आती हुई नजर आएगी। एंड सौम्यराज बिल्कुल ओपन में नजर आएंगे, नियो के लिए काफी ईजी फिनिश जो है हमें आता हुआ नजर आएगा। ओह माय गॉड, उन्होंने वो एंगल बिल्कुल भी चेक नहीं किया, कोई भी प्लेयर वहां पर देख नहीं रहा था, और इजीली एक और फिनिश जो है वो जाता हुआ हमें नजर आएगा। अब स्काईलाइट गेमिंग से एकमात्र खिलाड़ी बचते हैं जिनका नाम है वेक्सी, और पोजिशनिंग उनकी भी पता है, ओआर स्पोर्ट्स इतने आसानी से उनको भी नहीं जाने देगी। ओमेगा यहां पे खत्म भी हो गए, हेक्टर ने वहां पे एक्चुअली में किया क्या, वो तो राज हेक्टर के साथ ही चला गया, बट अभी तक हमने सर्कल नहीं देखा है, अभी तक हमने सर्कल नहीं देखा कि हमारा जो उन्होंने देखा, थोड़ा डैमेज पड़ा वेक्सी को, बट कम से कम फिनिश नहीं हुए। नियो वो भी एक अभी ग्रेनेड जो पुल ऑफ करते हुए नजर आ रहे हैं, 1v4 का सिनेरियो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है वो वेक्सी के लिए, और देखते हैं कि क्या वो कन्वर्ट कर पाएंगे, बट उससे पहले नियो आएंगे और इजिली वो जो फिनिश है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। एजे यहां पर मौजूद है, टीम गॉडलाइक के जॉनथन काफी करीब इनके जा जरूर से रहे हैं, देखना पड़ेगा कि क्या वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वहां पर प्लेयर से प्री फायर देख करके जाएंगे या फिर नहीं। जी हां, देख लिया उन्होंने फाइनली, जॉनथन ऊपर की तरफ जाएंगे, एजे उनको नहीं पता कि उनको स्पॉट करेंगे। व्हाट, जॉनथन को पता था कि वहां पर खिलाड़ी है, बट स्टिल वहां पर वो डाउन होते हुए नजर आए। एजे का बेहतरीन यहां पर मैं कहूंगा जो क्रॉस एयर प्लेसमेंट है वो देखने को मिलता हुआ, हालांकि फिनिश यहां पर ले पाना बहुत मुश्किल होगा, बट स्टिल एक बेहतरीन यहां पर क्रॉस एयर प्लेसमेंट देखने को मिलता हुआ। अभी भी वो बरकरार, बट ग्रेनेड आएगा क्लच गॉड की साइड से, एलिमिनेट किया जाएगा इजिली, वहां पर जॉनथन को रिवाइवल मिल जाएगा, और ये आता हुआ तीसरा फिनिश गॉडलाइक के खाते में। 11 टीम 37 प्लेयर सर्वाइव रहेंगे। जी गॉड यहां पे डेस्ट्रो की तरह डाउन किए गए, केमिनी स्पोर्ट्स काफी ज्यादा क्लोज होंगे, उनके पास एक एज साथ में एक कंपाउंड। अभी के लिए वो जो स्प्लिट है टीम गॉडलाइक का वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है, तीन खिलाड़ी एक साथ हैं, काफी बड़ा जो एक एरिया है वो उनके पास मौजूद है, बट जोन के अंदर जाना पड़ेगा। अभी के लिए मात्र जॉनथन ही एक खिलाड़ी है जो जोन के अंदर है टीम गॉडलाइक से, और बाकी खिलाड़ी मेरे ख्याल से इजिली सर्कल के अंदर आ सकते हैं, बट केमिनी स्पोर्ट्स को एग्जैक्ट लोकेशन फिनिश किया गया। निग्मा गैलेक्सी का जो आखिरी प्लेयर बचा हुआ वो भी सर्कल के बाहर हिल बैटल करेंगे, क्लच गॉड डाउन किए गए ब्लेज के द्वारा। अपोलो की बात करी जाए, ज्यादा हिल बैटल वो नहीं कर पाए, और इसी के साथ एलिमिनेशन झेलना पड़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। क्या यहां पे निग्मा गैलेक्सी एलिमिनेट हो गई या फिर नहीं वो हमें देखना पड़ेगा। हैदराबाद ड्रास इस वक्त जाती हुई डोमिनेशन पे, एक बढ़िया ग्रेनेड गया था ब्लेज का, डैमेज दिया जरूर बट नॉकआउट वहां पे नहीं निकाल पाएंगे। ओजी की स्क्वाड की बात करें, उनके लिए भी मुश्किलें थोड़ी सी ज्यादा होती हुई, 420 डाउन किए गए। केओपी की तरह ओजी इस वक्त फिनिशर्स की तलाश में निकालते हुए दिखाई देंगे। शैडो की बात करें, न्यू को वहां पे डाउन किए गए, क्लच गॉड सामने मौजूद जरूर रहेंगे। जॉनथन वहां पे ग्रेनेड करने की कोशिश करेंगे, डेस्ट्रो मोस्ट प्रोबेबली उनकी जो पोजीशन है वहां पे रिवील रहने वाली है। अल्ट्रॉन की बात करी जाए, वहां पे वो भी डाउन किए गए। टीम एक्सपर्ट क्या उनके एक लौते मात्र प्लेयर सर्वाइव करेंगे वो अभी भी देखना बाकी, बट मैंटी निंजा जॉट के द्वारा डाउन किए जाएंगे। बिल्कुल टीम सोलोमेट वो जो अग्रेशन जिसके लिए जाने जाते हैं, वो जो फॉर्म जिसके लिए जाने जाते हैं, फाइनली वो बैक हमें देखने को मिलती है। पिछला एक बेहतरीन गेम उन्होंने निकाला, इस गेम में भी 8 फिनिशर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं टॉप 7 में, और चारों के चारों खिलाड़ी सरवाइव करते हुए मुश्किल में यहां पर टीम गॉडलाइक जरूर से हमें देखने को मिलती है, बिकॉज जोन के बाहर है, हालांकि व्हीकल उनके पास मौजूद, डेस्ट्रो जो यहां पर मुश्किल नजर आएंगे। वो ग्रेनेड व्हीकल के बिल्कुल पास जाकर के गिरा, थोड़ा सा अगर वो व्हीकल पीछे होती तो वहां पर इंस्टेंटली एक नॉक हमें देखने को मिल सकता है, बट टीम सोलोमिट की बात करें, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशनिंग देखने को मिलती है। जॉनथन को पकड़ा जाएगा, जो नॉक है वो किया जाएगा इक्विनॉक्स के द्वारा, जो फिनिश है वो भी यहां पर आता हुआ, एंड टीम सोलोमिट ऑलरेडी 10 फिनिशेस निकाल चुके। टीम एंटिटी गेमिंग टीम के मिनी स्पोर्ट्स मोस्ट प्रोबेबली यहां पर अब हील बैटल करने के लिए जाएं, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजिशन में जाती हुई टीम सोलोमिट क्या यहां पर एक और चिकन डिनर लेकर के जा पाएंगे, वो एक देखने वाली बात। चांसेस बहुत ज्यादा, चारों प्लेयर उनके सर्वाइव करते हुए 10 टोटल फिनिश। शैडो की बात करें, 3 के साथ रहेंगे गॉडलाइक, जिस तरीके से आपने देखा साइड वहां पे स्विच किया गया, वो सीट स्विच करी गई गाड़ी की, बट क्लच गॉड स्पॉट किए गए निंजा जॉट के द्वारा फिनिश किए जाएंगे। 4 फिनिशर निंजा जॉट के पास आते हुए इक्विनॉक्स उनका पूरा साथ देंगे। जी गॉड लास्ट प्लेयर बचेंगे अपनी टीम से, हैदराबाद हाइड्रास डोमिनेशन पे गई जरूरत उनके भी, मात्र मुझे लगता है 2 प्लेयर सर्वाइव करेंगे। जी गॉड सामने मौजूद है, देखना यह शैडो खत्म कर पाएंगे उनको या फिर डैमेज बहुत ज्यादा दिया। हैदराबाद हाइड्रास परफेक्ट टाइम का वो